और ये एक वीडियो सॉन्ग है जो कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार भोजपुरी स्टार केसरी लाल यादव का है और इस सॉन्ग का नाम है ये सॉन्ग करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी हम लोगों ने एक सॉन्ग की और वीडियो की, फिर उससे पहले एक और वीडियो की हमने, मैंने कहा यार कोई रोमांटिक सा निकाल दो सॉन्ग कुछ इसने, तो फिर अचानक से मुझे क्यों ना फिर डायरेक्ट ही यही वाला सॉन्ग निकाले, रोमांटिक राजा, रोमांटिक राजा, तो हमने बोला बस चलो फिर यही पकड़ो। अच्छा, इस सॉन्ग के अंदर है केसरी लाल यादव और शिप्रा गोयल नाम पहली दफा सुना, अच्छा नाम है शिप्रा गोयल, और फीचरिंग भी केसरी लाल यादव और शिप्रा गोयल है। तो पहले चल के वीडियो देख लेते हैं, सॉन्ग देख लेते हैं, फिर करेंगे आपसे बातें। सो लेट्स प्ले द वीडियो। अब नहीं है शिप्रा गोयल ये है अभी जी। रानी की बारी रानी होगी तुम्हारी, मेरा तो राजा आएगा। देखो फिर बाइक पे एक और बाइक पे एंट्री। के बाद लगी दिल में ऐसी आग लगी, देखा सपने में तुझे मैं तो सारी रात जगी, मुझको तेरी प्यास लगी आजा घर पे तू बस, अभी एक पल भी न कटे, लगने लगी रात बड़ी, टेढ़ी शेढ़ी होने में टाइम तो लगे है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। ओहो कहीं मैं भीग जाऊं ना, सुना तो तुझे लगा लूंगा आगे आगे देखना, अभी ओली गाड़ी में उसमें टाइटैनिक बनती है, जाने क्यों माइंड में शक सा जगे है, कोई गड़बड़ नहीं मेरा नेक है इरादा, बस यहां जा मेरी फैंटास्टिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा, ओए ओए वो अलग ही डाल। उसमें से ये निकलती है रे, कंटिन्यू निकल जा रहा है ये, अब तो बंद है, एक घंटे तक निकलता है पूरा। कम से न एक तो और ये बारी है उमर, होगी न हिरान किसी को भी कानों कानों खबर, तेरे बिना जाए ना रहा मैं भी कंट्रोल में कहा, आज की रात का करना न किसी से भी जिक्र, माना थोड़ा रिस्क है और यही इश्क है, दिल के मुझे वाह क्या लाइन थी भाई, बहुत जबरदस्त। मैं आई इसका किस नहीं है लिरिक्स My favorite. बल्ब बंद हो जाएगा। रानी तू पप्पा की
वही ये थे रोमांटिक राजा, जो कि रोमांटिक राजा बने हुए थे, बहुत ज्यादा रोमांटिक। अच्छा, बहुत मतलब राजा तो रोमांटिक नहीं बने हुए थे, मुझे तो रानी ज्यादा रोमांटिक लग रही। हाँ, रानी बहुत शायद राजा को देख के हो रही हो, क्योंकि राजा भी तो फिर वाकई राजा है ना। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टार राजा, सुपर स्टार केसरी लाल यादव, जो कि उनके रोमांटिक राजा थे। अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा था मेरे फेवरेट लिरिक्स जिसने लिखे हैं, भूल गया मैं, लिरिक्स जिसने लिखे हैं वो मेरे फेवरेट कुणाल वर्मा है। कुणाल वर्मा जिनके बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं, और काफी ज्यादा उनके सॉन्ग हम लोगों ने पहले सुने हुए हैं। आज से नहीं, ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 2018 और 2019 से ये इनके हम लोग सॉन्ग सुनते आ रहे हैं वीडियोज के ऊपर, उससे पहले भी इनके सॉन्ग मैंने सुने हुए। तो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, साथ में शिप्रा गोयल थी और उनकी आवाज काफी अच्छी थी, और साथ में खुद भी बहुत मोहब्बत करते हैं वो तो बना ही देते हैं, लेकिन वो वाकई स्टार है, क्योंकि यार वो डांस वो खुद कर रहे हैं, गा खुद रहे हैं, मतलब हर चीज तो वो खुद ही कर रहे हैं, ये तो वाकई यार राजा भी हुआ और स्टार भी हो गया यार, मजा आ गया। मैं अक्सर इनके डांस पे बड़ा गौर करता हूँ, तो देखता हूँ है इनमें गोविंदा वाला जो स्टाइल है ना डांस के अंदर, गोविंदा रुक रुक के जो नाचने वाला स्टाइल होता है वो था, और दूसरी तरफ हीरोइन जो थी वो करिश्मा कपूर, ऐसा लग रहा था वो वाला जो बॉलीवुड के अंदर जो पहले के सॉन्ग, 2005 से पहले के, हाँ वैसे ही सॉन्ग, जैसे कि दुल्हन नंबर वन, नहीं कोहली नंबर वन यार, मैं कोहली बोल रहा हूँ, कोहली नंबर वन इस टाइप के सॉन्ग, और जैसे वो नाचे गोविंदा वैसा स्टाइल था, सिर्फ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो कि केसरी लाल यादव ने यार वो शूट करता है वैसे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मुझे लगता है नेचुरल स्टाइल इनका, क्योंकि जो और सॉन्ग थे उसमें भी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, जो होते ना दिल से डांस करने वाले, वो जैसा है वैसा करते, जैसा, हाँ ये तो है। और सेट वेट भी काफी अच्छा लगा था, बहुत मजा आया सॉन्ग सुन के, और 10 out of 10 यार ये नंबर नहीं दिया, अगर नंबर देके मुझे ऐसा लगता है तुमने गाना छोटा कर दिया, सॉन्ग तो देना छोटा कर दिया, नंबर नहीं है भाई, दिल है बस, डायरेक्ट तुम दिल दे दिया करो पूरा, दिल दिया हम तो रिएक्शन देते ना दिल से, तुम दिल दे दिया करो, दिल से ही तो देते हैं रिएक्शन, आप जा सकते हैं facebook.com/bro reaction, उसके बाद आ जाए इंस्टाग्राम पे, फॉलो मेरा यूजर नेम है, और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे ब्रोज रिएक्शन के नाम से, वहाँ भी जा सकते हैं, कर सकते हैं फॉलो, साथ में कर सकते हैं और कर सकते हैं ढेर सारी बातें। सो यू गाइस आर वाचिंग ब्रोज रिएक्शन, माय नेम इज ऑनवी एंड हिज नेम इज मुकम्मल खूबसूरत, गुड बाय।